हेलो बच्चों, मैं शांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 सेल चैप्टर के एक और वीडियो के साथ। और ये इस पार्ट की चौथी वीडियो है, बाकी तीन पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर बाकी पिछले तीनों पार्ट देख सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बस थ्योरी है, बस उसको आराम से समझिए, आपको बहुत सारी चीज़ें लिटरली अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। क्योंकि बगैर कोशिका थ्योरी के सेल पढ़ना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, कहता है कि सेल थ्योरी यानी सेल को समझने के लिए तीन वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसे ही सेल थ्योरी कहा गया। तो कहा जाता कि सबसे पहली थ्योरी है 1838 और 1839 में वनस्पति शास्त्र के जनक, वनस्पति शास्त्र मतलब बॉटनी, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम है स्लाइडेन, इनका पूरा नाम था एमजे स्लाइडेन, ठीक है, एवं जंतु विज्ञान के टी स्वान, ठीक है, ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब एक वैज्ञानिक बॉटनी पढ़ाने वाले थे और एक आपके जूलॉजी पढ़ाने वाले थे, उनके अनुसार इस सिद्धांत को दिया गया। तो चलिए, पहला थ्योरी क्या कहता है जो दिया गया वनस्पति शास्त्र की स्लाइडिंग के द्वारा, कहता है सभी सजीवों में कोशिका रचनात्मक एवं कार्यात्मक, जो हम क्रियात्मक भी कहते हैं, इकाई के रूप में पाई जाती है तथा इसमें केंद्रक पाया जाता है। हमने देखा था सेल के पहले वाले में से, जब हमने सेल की परिभाषा बताई थी, तो कोशिका ही जो थी सजीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई थी, ठीक है, और उसके बीच में केंद्रक था, क्योंकि केंद्रक को हमने बताया था पावर का स्रोत है। अगर केंद्रक नहीं रहेगा तो फिर सारी चीज़ें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा कहता है बहु कोशिकीय सजीवों की सभी कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, वे अन्य एक दूसरे से भी तालमेल में कार्य करती है। जैसे समझिए, ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है और ये बीच का केंद्रक है, तो एक कोशिका के बगल में भी क्या होता है, कोशिका पाया जाता है, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हम सबको पता था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हमने कहा था कोशिका झिल्ली। अब इसको, इससे कुछ लेना है तो ये इसको देगा और इसे कुछ लेगा, तालमेल बनाए रखता है। ऐसा कभी हुआ है कि मान लो ये हाथ की कोशिका है और ये पैर की कोशिका है, इन दोनों में आप ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं बता सकते, क्योंकि लगभग के कार्य क्या है, अपने अपने से पैर का काम चलना है, जिसका वही काम रहेगा, लेकिन इन दोनों का जो पावर स्रोत है हमारा, वो केंद्रक है, दोनों की आकृति लगभग सेम है, प्लाज्मा झिल्ली दोनों में है। अगर दोनों में ध्यान दें तो कोशिका द्रव इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों अपने अपने कार्य करने के साथ साथ दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, तालमेल बनाए रखते हैं, यही कहना चाह रहे थे, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है वो सन 1855 में वर्चो के द्वारा दिया गया, ठीक है, वर्चो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी का तीसरा नियम दिया। उन्होंने देखिए एक बयान दिया था जिसको कहते हैं ओमनिस सेल्यूली असेल्यूला, मतलब इसका कोई दूसरी भाषा में हमको भाषा से लेना देना नहीं है, हमें बस इसका अर्थ जानना है, ठीक है। तो इसका अर्थ था कि किसी भी कोशिका का जन्म पहले से उपस्थित कोशिका से हुआ है, मतलब जैसे समझो एक अमीबा है, ठीक है, एक अमीबा है या मान लेते हैं कोशिका है, अब इसे ये एक मदर है, ठीक है, मदर है यानी माता है, अब इसे क्या है अपनी संख्याएं बढ़ानी है, तो क्या करेगा, अपने शरीर को विभाजित करेगा, शरीर को विभाजित करेगा, जिसके लिए अपनी कोशिकाओं को खींचता है, इसके कारण क्या होते हैं कि उसका केंद्रक अपने आप दो भागों में उसको बांट देता है, और ये दोनों कहलाते हैं डाउटर सेल या डाउटर अमीबा, मतलब पुत्री अमीबा इसको कहते हैं। मतलब इन दोनों अमीबा को बनने के लिए सबसे पहले ये मदर अमीबा को टूटना पड़ा, मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों अमीबा कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार कहता है वर्चौ कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनी है, यानी वो सेल डिवीजन के दौरान बनी होंगी, यानी कोशिकाएँ आपस में क्रम में टूटी होंगी और टूटने के कारण वो क्या है, एक नई कोशिका के रूप में परिणत
हो गए होंगे। यही कहना चाह रहे हैं कौन? वर्चो, जिन्होंने सन 1855 में दिया। जब इन्होंने सेल थ्योरी दिया तब जाकर सेल थ्योरी बिल्कुल पूरी हुई, नहीं तो इनके देने से पहले सेल थ्योरी पूर्णता नहीं मानी जा रही थी। चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण हमारे पास डेट हैं जिसे हम लोग याद रखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा कोशिकांग, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले अंतःप्रद्वी जालिका। तो उस वीडियो को देखना ना भूलेंगे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए अभी हमने सेल डिवीजन की बात ही कर रही थी, यानी कोशिका विखंडन की, तो सबसे पहला ही डेट निकल के आता है कि 1880 में, ठीक है, 1880 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्लेमिंग, ठीक है, वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, फ्लेमिंग है। फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन का अवलोकन किया। क्या किया? समसूत्री विभाजन का अवलोकन किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा चला जाए। समसूत्री विभाजन का अवलोकन किया। अब जब हम लोग सेल डिवीजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे समसूत्री विभाजन क्या होता है। ऐसे समसूत्री का मतलब जाने कंप्लीट डिवाइडेशन होता है, जिसको जिसको आपने कई बार माइटोसिस के रूप में जाना होगा, मतलब एक सेल टूटकर दो सेल बन गया। चलिए अगला आता है कि 1898 में, ठीक है, 1898 में गोल्गी साहब ने, जिनका नाम था कैमियो गोल्गी, ठीक है, गोल्गी ने, या सॉरी गोल्जी, कैमियो गोल्गी भी लिखा था कई कई जगह पर, गोल्जी भी लिखा होता है, चलिए गोल्गी गोल्जी लिख देते हैं, ने गोल्जी काय की खोज की, गोल्जी काय की खोज की। 1898 में क्या है वो, गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की, ठीक है। तो और भी महत्वपूर्ण डेट हैं जो जो हम धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए एक और महत्वपूर्ण डेट दे देते हैं, कहता है 1952 में, 1952 में डी डवे ने लाइसोसोम की खोज की। किसकी खोज की? लाइसोसोम की खोज की। तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं कोशिका की मृत्यु की थैली या आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा अगर ये फट गई तो कोशिका क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। चलिए और भी डेट है, 1955 में पैलेड ने, क्या नाम है जी, पैलेड ने राइबोसोम की खोज की। किसकी खोज की बाबू? राइबोसोम की खोज की। अब ये राइबोसोम क्या है? राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी हमारा शरीर जो खुद ही प्रोटीन बनाता है उसकी ये फैक्ट्री है। अगर ये नहीं रहे तो शरीर में जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। यदि प्रोटीन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो शरीर में जितने भी तरह के कार्य चल रहे हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगे, और शरीर अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाएगा, और जब शरीर कार्य नहीं कर पाएगा तो फिर क्या है, हमारा सारा जो किया कराया है वो धरा का धरा जाए, क्योंकि पता है हम सबको इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, आज हैं कल नहीं भी रह सकते। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो उसे जाकर जरूर वॉच इट करें। धन्यवाद।